मणिपुर की घटना के बाद देश भर में सवाल उठने लगा है। मणिपुर जल रहा है, लोगों के मन में गुस्सा साफ दिख रहा है। आज जिस तरीके से मणिपुर का वीडियो सामने आया है, उसके बाद हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री कब जवाब देंगे, मणिपुर की हिंसा कब रुकेगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा है। मणिपुर के अंदर जिस तरीके से भाजपा की सरकार है, इस पर सवाल पूछा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने लिखा है, मणिपुर में लोकतंत्र, लोकलाज, विश्वास, संस्कृति, सौहार्द, संवाद और मानवता का सरेआम कत्ल हो रहा है। नफरत और हिंसा फैलाने वाली पार्टी के लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। इन लोगों को प्रेम, सौहार्द, इंसानियत, सामाजिक एकता एवं भारतीय सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर में जो हो रहा है वो शर्मनाक है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर तंज कसा है, हमला बोला है, निशाने पर केंद्र की भाजपा सरकार को लिया है। और लालू ने लिखा है और पूछा है कि आखिर कब तक मणिपुर के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र, लोकलाज, संस्कृति, विश्वास सब टूट गया है, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार कंबल ओढ़कर घी पीने का काम कर रही है। केंद्र में बैठी सरकार आखिर कब मणिपुर के हिंसा वाले मामले पर कड़ा एक्शन लेगी? आखिर कब मणिपुर में हो रहा दंगा रुकेगा? कब वहां हो रही हिंसा पर विराम लगेगा? कब वहां की महिलाएं सुरक्षित अपने घरों में रह पाएंगी? दरअसल मणिपुर से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस वीडियो के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है और तमाम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे के दौरान भी विराम क्यों नहीं लग रहा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। हालांकि विपक्षी दल की बैठक से लौटे लालू प्रसाद यादव फिलहाल बिहार की सियासत पर तो चुप हैं, लेकिन मणिपुर की घटना पर लालू ने सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। लालू ने नाराजगी में जो ट्वीट किया है, उसके बाद देश भर के तमाम विपक्षी नेता अब केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार जो है वो मानसून सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरे तरफ विपक्ष सरकार को घेरने के लिए मणिपुर के मुद्दे को लेकर अब सवाल पूछ रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।